दोस्तों इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, तो दोस्तों स्ट्रेट अवे इंडिया के स्क्वाड पे नजर डालते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया के स्क्वाड में कौन से एक्स्ट्रा प्लेयर ऐड किए गए हैं। तो इस स्क्वाड में आपको श्रेयस अय्यर नहीं नजर आएंगे क्योंकि उनको बैक की कोई प्रॉब्लम हो गई है। इस वजह से इस स्क्वाड में आपको रजत पाटीदार दिखेंगे। इनको ऐड किया गया है रिसेंटली। ये मध्य प्रदेश के बैट्समैन है और पिछले आईपीएल सीजन में इन्होंने आरसीबी के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और घरेलू क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं लगातार। तो ये एक यंग प्लेयर हैं, इनको यहाँ पे मौका दिया गया है। इसके अलावा जो चेंज है वो ये है कि यहाँ पे सरदुल ठाकुर को ऐड किया गया है। सरदुल ठाकुर एक बॉलिंग ऑलराउंडर की हैसियत से टीम में रहेंगे क्योंकि ये बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। इंडिया को कहीं ना कहीं वो आठवें नंबर पे एक बैट्समैन की जरूरत है, वो बैटिंग कर ले, थोड़ा जेन्युइन बॉलर हो, बैटिंग कर ले, तो सरदुल ठाकुर उस रोल में सबसे बेस्ट फिट होते हैं। इसके अलावा जो चेंज है वो यही है, केएल राहुल और अक्षर पटेल ऑलरेडी अपने कुछ पर्सनल फैमिली रीजंस की वजह से नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली दोनों की शादी होने वाली है, इस वजह से वो स्क्वाड में नहीं है। तो ये है आपके सामने स्क्वाड। इसमें रोहित शर्मा कैप्टन है, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन है और बाकी जो इंडिया के बॉलर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, सामी, सिराज, उमरान मलिक, और स्पिनर्स में चहल और कुलदीप यादव। इसके अलावा शाहबाज अहमद भी हैं और वाशिंगटन सुंदर आपको एज एन ऑलराउंडर देखने को मिलेंगे टीम में। दोस्तों अब इंडिया की प्लेइंग 11 पे नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों ये है इंडिया की प्लेइंग 11 हमारी नजरों में। इसमें रोहित शर्मा और गिल को आप ओपन करते हुए देखेंगे। इसके अलावा 3 नंबर पे विराट कोहली देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद 4 नंबर पे हमने सूर्य कुमार यादव को रखा है यहाँ पे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव 4 नंबर पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आए हैं और कहीं ना कहीं उनको देखना है ज्यादा ओवर खेलते हुए, वो किस तरीके से वनडे क्रिकेट को अप्रोच करते हैं। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में बहुत ज्यादा रन बनाए हुए हैं पहले से ही, 8-10 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है घरेलू क्रिकेट का, तो कोई नए प्लेयर नहीं है वो, इसलिए उनको 4 नंबर पे खेलना बहुत ही जरूरी है ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा ओवर मिले। और कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है कि स्काई रन बनाए क्योंकि उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े गेम चेंजर है। उनके जैसा आज की क्रिकेट में कोई बैट्समैन है नहीं जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। नंबर 5 पे आपको ईशान किशन देखने को मिल जाएंगे मिडिल ऑर्डर में, ये उनके लिए आइडियल पोजीशन रहेगी फिलहाल। वैसे उन्होंने जो डबल सेंचुरी मारी थी वो एज अ ओपनर मारी थी, लेकिन 5 नंबर उनके लिए बेस्ट सूटेड रहेगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं एज अ फिनिशर भी उभरते हुए नजर आएंगे और विकेट कीपिंग करेंगे यहाँ पे। नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या देखने को मिल जाएंगे। नंबर 7 पे इस प्लेइंग 11 में वाशिंगटन सुंदर दिखेंगे क्योंकि ऑलराउंडर को खिलाना है। वाशिंगटन सुंदर में वो एबिलिटी है बड़े छक्के मारने की, इनिंग्स को फिनिश करने की, कहीं ना कहीं काफी तेज गति से रन बनाते हैं वाशिंगटन सुंदर, तो वो नंबर 7 पे आपको दिखेंगे। इसके अलावा 8 नंबर पे हमने सरदुल ठाकुर को जगह दी है यहाँ पे क्योंकि सरदुल ठाकुर बैटिंग भी कर लेंगे और गेंदबाजी में वो अच्छे हैं। इंडिया को यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ ये जो प्लेइंग 11 है इसमें नई बॉल में आ सकती है, वो बताएंगे अभी। इसके अलावा 9 नंबर पे कुलदीप यादव आ जाएंगे क्योंकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वो। युजवेंद्र चहल भी एक ऑप्शन है लेकिन कुलदीप यादव को ही खिलाना चाहिए, काफी विकेट्स भी ले रहे हैं मिडिल ओवर्स में। इसके बाद 10 नंबर पे आपको इंडियन पेस सेंसेशन उमरान मलिक दिख जाएंगे, उनका खेलना बहुत जरूरी है उनके कॉन्फिडेंस के लिए। और इसके अलावा मोहम्मद सिराज, वो इंडिया के लीडिंग विकेट टेकर है इस समय, बॉलिंग को लीड कर रहे हैं मोहम्मद सिराज, तो उनका खेलना बिल्कुल बनता है। यहाँ पे सामी को जगह नहीं दी है क्योंकि इंडिया की अभी टेस्ट सीरीज भी आ रही है, तो उनको इतना ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी और गेंदबाज अवेलेबल हैं, तो मोहम्मद सामी को इस ओडीआई 11 में हमने जगह नहीं दी है। ये है इंडिया की प्लेइंग 11। इसमें जो नई बॉल के दो बॉलर्स हैं वो मेरे ख्याल से सिराज और सरदुल रहेंगे क्योंकि सरदुल भी स्विंग करा लेते हैं, उस तरीके के गेंदबाज हैं, तो उनको आप नई बॉल से करा सकते हो। तो सामी को खिलाने की जरूरत नहीं है, उनका थोड़ा वर्कलोड मैनेजमेंट करने की जरूरत है क्योंकि इंडिया की जो टेस्ट सीरीज है 4 मैच की ऑस्ट्रेलिया से, उसमें उनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों ये है इंडिया की प्लेइंग 11। आपको क्या लगता है कौन से प्लेयर होने चाहिए वो प्लेइंग 11, आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। थैंक यू।